झोटवाड़ा की जनता का तो ये दुर्भाग्य है कि चाहे बीजेपी का एमएलए आए हो चाहे कांग्रेस का एमएलए आए हो, किसी का भी हमको डेवलपमेंट के नाम पे कोई सहयोग नहीं मिला। हम राष्ट्रीयवाद की सरकार चुनना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हिंदुत्व के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखे। मैं कह रहा हूँ जो भी अब तक कार्य हुआ है नहीं, सिर्फ कांग्रेस शासन के अंदर कार्य हुआ है। जो भी सरकार आती है वो अपना आश्वासन देती है और काम कोई नहीं करता, तो जो भी सरकार आए वो हमारे क्षेत्र को देखते हुए काम करे, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे जनता की हो। राजस्थान इस समय पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंग चुका है। कह सकते हैं कि चुनावी रणभेरी बज चुकी है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बचा है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ। देखिए, चुनाव में कुछ ही दिन का समय बचा है। जयपुर की विधानसभाओं का लगातार हम जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहां हम जानेंगे वहां की जनता से जनता के रुझान और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए चलते हैं झोटवाड़ा विधानसभा में जनता के बीच और जानते हैं वहां की जनता के दिल की बात। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजनी विहार के शिव मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर हमारे साथ झोटवाड़ा के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर काम हुआ है और किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? भगवान साय गुजर। किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस को इसलिए देंगे कि सरकार हमने दोनों ही बनाई है। बीजेपी का विधायक हमने यहाँ से चुना के भेजा था, वो मंत्री भी रहे, यूडीएच मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो कांग्रेस ने क्या काम किया वो बता रहा हूँ आपको। क्षेत्र के लिए जो हमारा अंडरपास था, जिसमें से कि सारी कॉलोनी 52 कॉलोनी वहाँ से आती है, अंडरपास का कार्य नहीं हुआ था। एक मारुति निकलती थी, क्षेत्र के अंदर आग लग जाए एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती थी। लालचंद कटारिया ने अंडरपास बनाया, उसके बाद में ये हाई टेंशन के खंभे उसने ऊंचे करवाए, रोड बनवाई, पानी लाए, सिविल लाइन लाए, उसका काम अभी चालू है। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ पर लालचंद कटारिया ने बहुत विकास कार्य करवाया है, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मैं राहुल शर्मा, रजनी विहार कॉलोनी का अभी अध्यक्ष हूँ। और आप बताइए, क्या चाहती है झोटवाड़ा की जनता इस बार? झोटवाड़ा की जनता का तो ये दुर्भाग्य है कि चाहे बीजेपी का एमएलए आए हो चाहे कांग्रेस का एमएलए आए हो, किसी का भी हमको डेवलपमेंट के नाम पे कोई सहयोग नहीं मिला। वोट के टाइम पे जरूर दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश करती हैं और वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो दोनों पार्टियों ने निराश किया है। और मैं ये मानता हूँ कि तो इस बार अगर किसी भी पार्टी का विधायक आता है, उनसे आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? कॉलोनी के बेसिक काम होते हैं, आपका पानी, बिजली, आपकी ये हमारी हाई टेंशन लाइन है, इसको अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव अभी कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, रोड बनना, पार्क बनना। एक किसी भी मुद्दे पे किसी भी पार्टी के विधायक ने आने के बाद कोई सहयोग नहीं दिया। एक बोरिंग तो दिया था, एक बोरिंग दिया था गोडा चबूतरा वाला लालचंद जी ने, 7 दिन के अंदर पानी की समस्या थी, ये 35 आदमी दुख पाते थे, 1 दिन में 7 दिन में सेक्शन करके दिया था, सरपंच साहब लेके आए थे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक बोरिंग से अगर आप एक विधायक को 5 साल शासन करने का मौका दे रहे हो तो ये कितना जायज़ है, मेरे समझ की बाहर की बात है। आप अगर विधायक हैं और वो कॉलोनी में चक्कर नहीं लगाएंगे, हम आशा उनसे यही करते हैं कि कॉलोनी में आए, कोई विकास के कामों की बातचीत करें, लेकिन उनकी शक्लें मैं सड़कों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? सड़कों की समस्या यथावत है। सड़कों की समस्या पे जैसे बीच में बातचीत हुई अभी जो कटारिया साहब थे एमएलए, तो उनके समय पर कॉलोनी की कुछ मुख्य सड़कें हैं जो ये पीछे धाबास रोड है, उसके पैरेलल रोड्स हैं, उस पर हमने कोशिश करी कि वो उस सड़क को बनवा सकें। उनके ऑफिस से प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ लोग भी आए, लेकिन अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला। ठीक है, ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए, ऐसे कौन से काम हुए जिन पर इस बार भी आप कांग्रेस को वोट देंगे? मेरे तरफ से तो मैं कहूँगा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, लाटा जी महापौर बने थे, उस टाइम ये रोड थी ना, कच्ची बस्ती थी, ये यहाँ से जहाँ तक सीसी रोड लाटा जी ने बनवाई थी, उस टाइम कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए अभी। तो दल बदलू नेता हो गए ना, तो भाई दल दोनों से कोई लाटा जी की देन थी, लालचंद जी की अप्रोल थी, अप्रोल मेरे पास लेटर पड़ा है। ये जो रजनी विहार कॉलोनी है, विधायक लेस कॉलोनी है। क्यों, ऐसा क्यों? कि कभी विधायक को आज दिन तक देखा नहीं, न वो जाते हैं तो मिलते हैं, और एमपी का भी यही हाल है। यहाँ विधायक की बात नहीं है, ये एमएलए और एमपी। आप किसको वोट देंगे इस बार? हम वोट देंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वोट क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल विरोध करो इन लोगों का, इनको घुसने की जरूरत नहीं है कॉलोनी में, क्योंकि कॉलोनी
आपके हिसाब से कोई भी काम नहीं करवाया यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ विधायक लेस कॉलोनी है आज दिन तक। आप मुख्य समस्या ये है कि हमारा सीवरेज की लाइन नहीं डल रही है। यदि सीवरेज की लाइन डल जाती है तो हमारी आधे से ज्यादा काम हो जाता है। हमारे से पैसे सारे ले लिए, सब कुछ कर लिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और सीवरेज का समस्या का निवारण नहीं हुआ। निवारण कोई नहीं हुआ, और कई बार हमने कह दिया लेकिन सीवरेज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। पार्किंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पृथ्वीराज नगर की आसपास की 10-12 कॉलोनियों के बीच में सिर्फ एक पार्क बचा है जो 2800 स्क्वायर यार्ड का है, वो भी तिकोना है। उस पर भी एक GSS का निर्माण करने की सोच रही है सरकार, वो बिल्कुल उसका घोर विरोध है। और सभी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी MLA सिप के लिए, उनसे सबसे हम आग्रह करेंगे कि जो हमको ये सब सुविधाएं प्रदान करेगा उसी को हम वोट देंगे। ये भी पार्क घोषित नहीं है JDA के रिकॉर्ड में, ये पार्क घोषित नहीं है, केवल सुविधा क्षेत्र दे रखा है। हमारी पुरजोर डिमांड है कि इसे पार्क घोषित। पार्टी के समर्थक के तौर पर मैं आपसे नहीं पूछूंगी, आमजन के तौर पर बताइए कि आने वाले समय में किन मुद्दों की आप सरकार से उम्मीद करते हैं? हम राष्ट्रवाद की सरकार चुनना चाहते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हिंदुत्व के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखे, क्योंकि हमारा बहुल्य क्षेत्र हिंदू क्षेत्र रहा हुआ है इस क्षेत्र के अंदर। तो हमारा यह है जो राष्ट्रवादिता की जो विचारधारा रखते हैं, ऐसी सरकार बने जो हम सबका हित चाहे। मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस एरिया में न तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है, यहाँ डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, सीवरेज की सबसे पहले आवश्यकता है। अगर डिस्पेंसरी आ गई थी कॉलोनी होना ने ऑब्जेक्शन के तो कह रहे हैं डिस्पेंसरी आ गई थी, पूछ रहे क्या? हाँ एक मिनट, डिस्पेंसरी आई थी, काम को कम बेकाम मत बताओ आप। नहीं लालचंद जी के द्वारा, गोपाल जी, ये गोपाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, डिस्पेंसरी आई थी वो है न, तो यहाँ वर्तमान में सीवरेज की व्यवस्था है। लेकिन सर 5 साल तो बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए। सिविल लाइन की आज तक सीवरेज नहीं है पूरी, टाइम लगता है, एक दिन में 50-10 फुटी बनती है वहाँ 3। लेकिन सर 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। ₹200 दे दिए गवर्नमेंट ने, आप बताइए। मैं हमारा कहना यह है किसी भी क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं अति आवश्यक है, उसके लिए सीवरेज जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटी जरूरी है। हाइटन क्या दिया ने तो बीसलपुर का पानी का इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? कोई प्रोजेक्ट है इस टाइम पे? कांग्रेस के विधायक ने इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया, तो बीजेपी को वोट देंगे? वैसी है बिल्कुल आपको, न तो कांग्रेस वालों ने किया और न बीजेपी वालों ने किया। और तो क्या लगता है किसी तीसरे मोर्चे को वोट देंगे आप? अब वो स्थिति का निर्णय तो अंदर जब जाएंगे बटन दबाने के लिए तभी निर्णय होगा उसका। देखिए सूरपुरा जी ने कोरोना में टटर समिति को, विकास समिति को 40 कट्टे आटे के दिए थे, और उस आदमी को देंगे बोटम तो मैं तो मेरा पर्सनल वोट उनको जाएगा। बिल्कुल, आप बताइए। मैडम विकास के ऊपर वोट देंगे। कल हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी अभिषेक चौधरी यहाँ आया था, हमने उनसे मांग रखी है, हमारे क्षेत्र की जो मेन मुख्य जो समस्या है वो है हाई टेंशन की। हाई टेंशन के ऊपर आज भी 20,000 आदमी प्रभावित है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम 2020 का लागू हो गया लेकिन राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया। हम चाहते हैं 2020 का सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम लागू। आप बताइए, एक लाइन में जवाब दीजिए कि इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को वोट देगी? नहीं, हम बीजेपी को देंगे। क्यों, बीजेपी को क्यों देंगी? आएगी, इतनी आश्वस्त कैसे आप? मेरे को पता है ना, बीजेपी आएगी, कर्नल राज्यवर्धन जी जीतेंगे, वही जीत। क्यों, उन्होंने क्या काम करवाया यहाँ पर? क्या काम करवाएंगे? उनका जज्बा अच्छा लग रहा है आपको? आपका क्या करवा दिया वो बता दो, 9 साल में। अच्छा, सांसद रहे कर्नल साहब, क्या नाम है आप? ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा, आप बताइए इस बार आप झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगी? हमारा जो बेसिक जो हमारी है, सड़कें हैं, सीवरेज है, बस क्या है? मैं कह रहा हूँ जो भी अब तक कार्य हुआ है नहीं, सिर्फ कांग्रेस शासन के अंदर कार्य हुआ। अभी आपको बता दिया क्षेत्र के अंदर आग लग जाती, कोई बीमार हो जाता तो ये क्षेत्र के अंदर एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज तो कोई है ही नहीं, अभी वो कह रहे थे अभी चालू हो गया, डिस्पेंसरी खुलने वाली है, सारी जगह अलॉट हो गई, सारा काम अभी लालचंद जी ने करवाया। मैडम SRG हॉस्पिटल है, प्राइवेट है ना SRG। मैडम ये सब जो बातें हो रही है, ये सब जो है कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हकीकत है कि इस कॉलोनी का जो एंट्री होती है ना, तो अवैध कब्जा इन ऑटो वालों ने और कमी वालों ने कर रखा, और रोज एक्सीडेंट होते हैं।
ना पुलिस ध्यान देती है, ना नेता ध्यान देते हैं, सब अपने अपनी डब्ली अपना राज बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार आप इस इन सब मुद्दों को लेकर सरकार से? सब मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी इस पे ध्यान देगा उसी को वोट देंगे। नहीं मेरा एक और उससे काम करवाएंगे। भाजपा के गढ़ में पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि वापस कांग्रेस ही आएगी या फिर भाजपा अपना परचम लहरा देगी? देखो जिस मुझे लगता है कि वैसे तो हम लोग भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, ठीक है, अब कौन सी सरकार कौन सा काम करती है वो अब निर्णय होगा सरकार आने के बाद। अभी तक तो कोई ऐसा कार्य नहीं, और आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो सरकार काम करेगी उसी को हम वोट देंगे। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? सुमन गौतम। एक आमजन के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि किन क्या आने वाले समय में जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किन किन विकास कार्य होने चाहिए, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? मैम मेन तो पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बीसरपुर लाइन के लिए बहुत टाइम से बोल रखा है, बीसरपुर लाइन का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जो छाया हुआ है। सबसे मेन प्रॉब्लम पानी की है मैम, सबसे ज़्यादा मेन। उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहती है? यही बोलना चाहेंगे कि मैम तो सुनती नहीं है शीलदा भाई जी, तो जो अच्छा काम करे वही आए, मेरे को उससे और किसी से कोई मतलब नहीं है, जो सही काम करे। हाँ कहना चाह रहा हूँ, अभी तक जो भी विधायक आए हैं उनकी जो भी गलतियाँ रही हैं या नहीं रही हैं, उन्होंने किया है या नहीं किया है, अब जो आने वाला विधायक हो वो ऐसा आए। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी विकास कार्य होने चाहिए आज तक जो होने चाहिए वो कार्य अभी तक नहीं हुए, उनको वो क्रियान्वयन करके और पूरी जनता को इसका फायदा दें। उन कानून व्यवस्था पर भी ध्यान रखें यहाँ पे, है कि नहीं, और यहाँ के विकास हों। बस विकास में किन किन कार्यों की उम्मीद करते हैं? सरपंच जी बताएंगे। हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड जो आदमी करवा देगा, सिविल लाइन डलवा देगा, पानी की लाइन बिछवा देगा, वो ये हमारे मेन मुद्दे हैं। हमने विधायक से कल बोला जो मैनिफेस्टो के अंदर हमारे सामने घोषणा करवा देगा मुख्यमंत्री से, सरकार बनते ही ये मुद्दे हल होंगे, उसी को वोट देंगे हम। और वो हमसे तय करके गया कांग्रेस विधायक के साहब, मैंने आपको मैनिफेस्टो के अंदर कल गहलोत जी से लिखवा दूंगा और आप हमको वोट देना, हमने तय किया जो हमारी मांगे पूरी करेगा उसको वोट जाएगा। और कांग्रेस जी आप कुछ कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सरपंच जी बड़े आदरणीय हैं और कांग्रेस से इनका काफ़ी पुराना संबंध है, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को हम आंख मीच के वोट दें, हमारे को स्थानीय बदलाव चाहते हैं आप या फिर चाहते हैं कि कांग्रेस ही आए? बदलाव परिवर्तन के एक विकास में गति नहीं आ सकती बीजेपी के, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक विकास में गति नहीं आ सकती, ऐसा क्यों? बिना परिवर्तन के विकास में तेजी नहीं आ सकती, विकास सभी करते हैं लेकिन उसमें गति लाना है ज्यादा, तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, किस तरह देखते हैं आने वाले समय में परिवर्तन को? यस हम चाहेंगे। आप बताइए किस तरह देखते हैं? पार्किंग है, पार्किंग की व्यवस्था जेडीए में है जो पट्टों में। एक सवाल है, अब ये कर ले, 9 साल से कर्नल साहब यहाँ से हमारे सांसद है, 9 साल के अंदर 9 रुपए भी कहीं लगा इस क्षेत्र के अंदर? बताइए जवाब, बता दे इस बात का। मैं कहता हूँ ये पार्किंग की है जो समस्या, ये पार्किंग हो लेकिन सांसद तो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं ना? नहीं लेकिन सांसद तो यहीं से बन गए, उनका विधायक कोटे का पैसा कहाँ गया? 5 करोड़ रुपए मिल, बताइए हर साल मिलते हैं 5 करोड़ एक साल के 5 करोड़ रिकॉर्ड 5 करोड़ एक साल के 5 करोड़ ये कांग्रेस के बहुत पुराने कोई कांग्रेस के नहीं है, व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट हूँ इसका। सुनिए एक बात, इन्होंने अभी मेरे को क्या कही, आप रजनी विहार के अध्यक्ष हो, मेरे घर की बाहर 2 लाइट है वो खराब हो रही है, सही कराओ। जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस विधायक है, वो अपने घर की 2 लाइट बाहर सिवरेज लाइन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है जिससे आमजन को बहुत परेशानी होती है। सिवरेज लाइन ही हमारा मेन मुद्दा ये है, और चीज़ें ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है, गवर्नमेंट सारी ठीक है, सब प्रॉमिस करती है, आती है जोर शोर से, हम ये करेंगे वो करेंगे, करता कोई कुछ है, बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, करके जाते हैं कि इस जो भी सरकार आती है वो अपना आश्वासन देती है और काम कोई नहीं करती। भाई हमारे शीलदा भाई जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं इसको पार्क में डेवलप करूंगी, हाई टेंशन लाइट हटा दूंगी, यहाँ से इसको ऐसा जन्नत बना दूंगी, लेकिन 2-4 पेड़ लगाए और वो भी खराब, वो उनके उनके घर के साथ। पार्किंग की भी यहाँ समस्या है, उसको लेकर क्या कहना चाहेगी?
पार्किंग की, पार्किंग की तो पानी भर जाता है, हमारे बच्चे खेल, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है बहुत सारा। जब हमारे बारिश में हमारी मतलब हमारे शर्म आती है, रिलेटिव आते हैं तो कि कहाँ कच्ची बस्ती में रहते हो, बच्चे निकल नहीं पाते हमारे गाड़ियों में, मतलब इतना भर भर के हमें जाके बच्चों को बिठाओ ऐसे में। हमारा सिर्फ एक ही पार्क है, उस पार्क में भी कोई फैसिलिटी नहीं है और उसमें बारिश के टाइम में इतना पानी भरता है, बच्चे खेले तो जाएं कहाँ, बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है, तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है लोगों में। तो आने वाली सरकार से आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? डेवलप तो क्षेत्र का कुछ डेवलप तो करो यार, कुछ भी नहीं आप मतलब विकास होना चाहिए समिति का, कॉलोनी का, जैसे सड़कें हुई, सिविल लाइन हुई, पार्क हुई, डिस्पेंसरी हुई, हाई टेंशन हुई, ये सारे विकास होने चाहिए के हैं, रोड, ये हाई टेंशन है, पार्क, सबके मुद्दे हैं हमारे, कोई काम नहीं होता इसमें, कोई काम नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं हुआ। कटारिया जी ने पिछली बार बोला था कि हाई टेंशन सब हटवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। आप बताइए सड़कों को लेकर, यहाँ पे सड़कों रोड में कोई भी सुधार हुआ है, कोई भी विकास कार्य हुआ है? देखो सड़कों की बात यह कि जगह जगह से सड़कें टूटी हुई है, बारिश के मौसम में खूब पानी भर जाता है और रोजाना का जो पानी आता है सीवरेज नहीं होने की वजह से रोजाना का जो डेली यूज का पानी है वो सबके एक दूसरों के घरों के सामने जाता है, जिससे आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है। तो जो भी सरकार आए वो हमारे क्षेत्र को देखते हुए काम करे, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे जनता की हो। हाई टेंशन लाइन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो अपनी बेसिक एमिनिटीज है वही पूरी नहीं है, ना तो सड़कें सही है, ना सीवरेज है, ना हाई टेंशन लाइन है, मतलब हमें कोई मूलभूत जो सुविधाएं होती है हमें वही नहीं मिल पा रही है, तो हम किसको वोट दें? तो हम तो पर आने वाले समय में आप मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनमें विकास कार्य तो करवाना चाहते ही हैं जिससे आपकी समस्या दूर हो सके, तो किस विधायक को या किस पार्टी को वोट देना चाहेंगी? देखिए कहने में तो हम कट्टर बीजेपी के ही हैं, तो हम देंगे तो बीजेपी को ही वोट, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे, राजवर्धन सिंह राठौड़ जी जैसे आते हैं, अभी आते हैं वो बाद में भी उसी तरह आते रहे और यहाँ की जो बेसिक एमिनिटीज है उनको पूरा करवाए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नालियों का पानी रोड के ऊपर जा रहा है और बीमारियां फैल रही है ये, तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं इन समस्याओं को लेकर? समस्या को बनाया जाए। तो आज हमने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड जाना, जहां हर पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सिरमौर कौन बनेगा ये तो यहां की जनता ही तय करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।